आने वाले दो चार टीचर्स भी होते हैं तो ट्रेनिंग में बच्ची कराई होगी है? कोई बातें समझ में नहीं भी आई होंगी। कुछ छोटी बच्चियां हैं, हिम्मत करती हैं, कोई बात समझाए पाती हैं कि कोई बात न भी समझाए पाती हैं। बाबा से मिलना होता है, जो भी संशय हैं वो अपने संशय निवारण कर लेने चाहिए, क्योंकि बच्ची में जो संशय पैदा होते हैं वो फाउंडेशन होता है, है? फाउंडेशन में जो चीज छोटी होती है वो सब बाद में बड़ी हो जाती है। ये ऐसा ना हो कि यहाँ से वापस जाने के बाद कोई संशय रह जाए। बातें रह गई हो भी कर लो है दिखने वाले स्टोर जो अभी ज़्यादा अच्छे से और अभी तक कुछ पता नहीं है। हाँ चौरासी नहीं हुई, वो ऑलराउंड पार्ट है। चौरासी नहीं हुए मतलब ऑलराउंड पार्ट है नहीं, तो 50 साल कम हो गए ना। मुरली बोला है कोई के 50 साल कम भी हो जाएंगे तो 50 साल कम किसके होंगे? 68 में शरीर छोड़ा है और 68 में 50 साल जोड़ेंगे तो कितना आया? इसकी एज में 50 साल ऐड कर दिए हैं, आ रहा है। बाबा ने नाम तो नहीं लिया लेकिन मुरली में बोल दिया कोई के 50 साल भी कम हो जाएंगे। हैं हाँ 84 जन्म होते हैं लेकिन उससे से 50 साल कम हो जाते हैं। ऑलराउंड पार्टदारी नहीं है, जब बच्चे की आत्मा ही ऑलराउंड पार्टदारी नहीं है तो उनके पीछे पीछे जन्म लेने वाले वो भी ऑलराउंड पार्ट बहन है। और
पार्वती की जो स्वर है जी, वो कितने जन्म तक शांत करते हैं? कितने जन्म तक शांत रहते हैं? 500-700 करोड़ पार्टधारी है, वैरायटी मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, तो उनमें कोई ऐसी भी आत्माएं तो होती होंगी जो जन्म जन्मांतर साथ रहती हो, कोई नहीं होगा है? अरे कोई तो होगी, तो हीरो हीरोइन पार्टधारी तो युगल के रूप में नहीं, ये नहीं कहा युगल के रूप में, यहाँ तो बाबा ने सर्व संबंध का हमको लक्ष्य दिया है, एक संबंध का लक्ष्य दिया है या सर्व संबंध का लक्ष्य दिया है? हमको तो सर्व संबंध का लक्ष्य दिया है, ये भी बता दिया जिस संबंध की भाषणा यहाँ पूरी नहीं होगी बाप से, उस संबंध के लिए अनेक जन्म तड़पते रहेंगे, वो आत्मा तो बहुत भाग्यशाली है जिनके हर संबंध की पूर्ति एक बाप के साथ संगम युग में हो गई है। भक्ति मार्ग में ये बात बोल दी है, जन्म जन्म लगे रगर हमारी, वरऊ शंभु न तू रहूं कुमारी। या तो शंभू माना तो शंभू तो शिव है, स्वयं भू शंकर की बात नहीं है, तो बोल दिया वरऊ शंभू, या तो शंकर जी का वरण करूंगी नहीं तो कुंवारी रह के जीवन बिताऊंगी, भक्ति मार्ग की बात है, ज्ञान मार्ग की बात है, एक बाप के साथ सब संबंध नहीं बना, एक क्यों बाबा दूसरा जोर से बोलो, युगल जोड़ी है ना, एक युगल जोड़ी है कोई है, आगे पीछे करके भर दिया, आगे पीछे करके सही छोड़ दिया, हाँ के बाद फिर पूरा धर्म लेगा, जोड़ी ही पूरा धर्म लेगा ना, अलग अलग होगा। अगर लगाव है पक्का पक्का और किसी दूसरे में लगाव नहीं है, जैसे सती स्त्री होती है उसका जीवन में एक व्यक्ति के साथ लगाव रहा और अंत तक अंत मते दो गति, तो वो अगले जन्म में दूसरा जन्म स्त्री का ले सकती है, लेकिन दो जन्म से ज़्यादा स्त्री का जन्म नहीं ले, या दो जन्म लगातार पुरुष के या दो जन्म लगातार ज़्यादा से ज़्यादा स्त्री के मिल सकते हैं, बाकी तीसरा जन्म तो बदल जाएगा। धीरे धीरे बोलो कि हमारी कान में नहीं बात पड़ती है, कान फोन सुनते सुनते बहरे होने लगे। पेड़ पर पैदा हुआ बच्चा, हाँ हाँ, फाड़ के जो बच्चा पैदा होता है, हाँ तो माँ को तकलीफ देने वाला बच्चा है, आरंभ में ही तकलीफ दे रहा है तो आदि में ही तकलीफ दे रहा है, तो आदि मध्य अंत तीनों ही दुख देने वाला होगा, ये कोई बात नहीं करनी, जो विकसित चिन्ह है वो क्या ज्ञान में नहीं आ सकते, ये कोई बात नहीं, आज की दुनिया में तो सारे ही विकसित चिन्ह है, सभी दुखदाई है, दुखदाई कौन है, दुखधाम है तो दुखधाम में सब दुखदाई होंगे या सुखदाई भी कोई होगा, देवता अभी तो बताया पतित दुनिया में सब पतित होते हैं, पावन दुनिया में सब पावन होंगे, तो ये कोई नियम नहीं है, जो विष्णु चिन्ह बन के पैदा होते हैं माँ बाप को दुख देते हैं वो भगवान के ज्ञान में नहीं आ सकते, वो भी आ सकते हैं, ईश्वर का ज्ञान तो है ही सबके लिए, ईश्वर तो सबका उद्धार करता है,
दशरथ पटेल, दशरथ पटेल पटेल। हाँ क्या बात की है? क्या बताए थे वो बात तो बताओ। कौन ने क्या किया है? ज्ञान में चलने वाला कोई भाई था जो एडवांस में आ गया। पहले ब्रह्मा कुमारी में था, फिर एडवांस में आ गया, फिर एडवांस का विरोधी बन गया, खुद भगवान बन के बैठ गया। भक्ति में एक चित्र बनवाते हैं वो महाकाली, महाकाली जो मुन मुन माला लेकर चलते हैं और रास्ते में कंकर पड़े हैं और उनको लाश से मारा हुआ दिखाया गया है। हाँ जी, और उनकी जीभ भी निकली हुई है। हाँ, उनकी जीभ भी बाहर आई है। चित्र का चित्रण किया गया है। ये चित्र जो भी बनाए जाते हैं भक्ति मार्ग में वो चरित्र की यादगार है। तो महाकाली ने ऐसा कोई पार्ट बजाया है कि अपने पति का भी तिरस्कार कर दिया। तिरस्कार कर दिया और बाद में जब पता चला ये हमने क्या किया तो जीभ बाहर आ गई। ऐसे भक्ति मार्ग में दिखाया है शास्त्रों में, ये हमने क्या किया माना पश्चाताप हुआ। बाबा ने बोला है असुर संगारिणी शक्तियां होती है। असुर संगारी देवता नहीं है, असुरों का संहार करने वाला। इसको निमित्त बनाया है, शक्तियों को निमित्त बनाया है, शिव की शक्तियां। तो जो शक्तियां हैं वो विष्णु के लेफ्ट हैंड के रूप में दिखाई गई। हैंड होता है ना, हैंड माना मददगार। भगवान के भी दो प्रकार के हैंड हैं, मददगार हाथ हैं। एक है राइटिंग के रूप में मददगार बनते हैं, ज्ञान सुनाने का ही काम करते हैं। एक है लेफ्ट हैंड के रूप में मददगार बनते हैं जो आसुरी शक्ति का विनाश करते हैं, सिर्फ ज्ञान सुनाने का काम नहीं करते। असुरों का मर्दन उनका काम है। तो देवी के दो रूप दिखाए गए हैं, एक शाकाहारी और दूसरी मांसाहारी। मांसाहारी जो रूप है वो देवी के मंदिर में बकरा आकर की बलि चढ़ाई जाती है। सभी देवियों के सामने बकरे की बलि नहीं चढ़ाते। बकरा अर्थात मैं करने वाला, देह अहंकार में रहने वाला। ऐसे देह अहंकार में रहने वाले जो आत्म की स्थिति में स्थित नहीं हो पाते, उल्टे उल्टे काम करते हैं, ईश्वरीय ज्ञान को वैल्यू नहीं देते। भगवान ने आकर के जो चीज दी उसकी वैल्यू नहीं है। भगवान तो बिंदु है, सुप्रीम सोल, बिंदु का बड़ा आकार ज्योति बिंदु शिव, बिंदु का बड़ा आकार शिव बनाया, तो उसका कोई अपना रूप तो होता नहीं। बिंदु का प्रैक्टिकल रूप क्या है इस संसार में, वो क्या देता है? जो भगवान इस शक्ति पर आता है तो देता क्या है? कोई लड्डू पेड़ा थोड़े ही लाता है, कोई धन संपत्ति थोड़े ही लाता है, कोई हीरे जवाहरात थोड़े ही लाता है। क्या लाता है? ज्ञान देता है। तो उसकी दी हुई जो चीज है, दात है, उसकी कदर नहीं करना और दुनियावी चीजों की कदर करना। इसलिए बाबा ने बोला है नारी का लक्ष्य है नारी से क्या बनना, लक्ष्मी बनना। लक्ष्मी ने सिर्फ ज्ञान की कदर की है। क्या? जो भगवान ने ज्ञान दिया उस ज्ञान को बांटा,
ज्ञान अर्पण किया, बाकी सब इच्छाएं किसी की पूर्ति नहीं की। परंतु जो ब्रह्मा कुमारियां ज्ञान को उतना गहराई से न समझ पाती है, न उतना दूसरों को ज्ञान दे पाती है, तो वो दूसरों को खुश करती है, लड्डू पेड़ा खा लो, अच्छा अच्छा उनको सौगात दे देंगे, उनकी अच्छी अच्छी खुशामद कर देंगे, खातिरी कर देंगे। जैसे भी तन से मन से धन से खातिरी कर दी, तो ये ईश्वर की दी हुई चीज नहीं है। क्या है ये? मानवीय चीज है। तो जो ईश्वर की दात दूसरों को देते हैं वो लक्ष्य प्राप्त कर लेते, क्या बनते हैं? नारी से लक्ष्मी बन गई। और जो नारी से लक्ष्मी नहीं बन सकी, वो कार्य नहीं कर सकी, तो वो महागौरी बनने के बजाय क्या बन जाती है? महाकाली बन जाती है। वो लेफ्ट हैंड है विष्णु का। विष्णु की जो चार भुजाएं दिखाई जाती हैं, ऐसा कोई आदमी नहीं होता चार भुजाओं वाला। भुजा का मतलब है मददगार। भगवान के काम में चार आत्माएं मददगार बनती हैं। राम के साथ सीता और कृष्ण के साथ राधा। राम कृष्ण ये देवताएं थी, इनको कलाओं में बांधा गया है। राम को 14 कला दिखाते हैं, कृष्ण को 16 कला दिखाते हैं, तो कलाओं में बंधे हुए हुए ना, भगवान तो नहीं हुए। भगवान तो सूर्य के समान है, कलाओं में नहीं बंधता है, कलातीत है। जो कलातीत है, कलाओं से भी परे है, वो ही जगत का कल्याण करता है। तो जो कलाओं में बंधे हुए देवताएं हैं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ राम और कृष्ण, उनकी सहयोगिनी शक्तियां, वो चार आत्माएं मिलकर के विश्व का कल्याण करती है। इसलिए उनका यादगार आज भी विष्णु स्वरूप में पूजा जाता है। दो भुजाएं लेफ्ट और दो भुजाएं राइट। राइटियस के रूप में काम करने वाली दो भुजाएं वो लक्ष्मी और सरस्वती के रूप में, और लेफ्ट के रूप में काम करने वाली दो भुजाएं ब्रह्मा दाढ़ी मूछ वाला जिसकी पूजा नहीं होती, और जगदम्बा। जगदम्बा की पूजा तो होती है, लेकिन ऐसा रूप है, काला रूप है, गोरा रूप नहीं दिखाया गया। जगदम्बा के लिए कहा है सब मनोकामनाएं पूरी करने वाली। भगवान आके क्या देता है? ज्ञान की मनोकामना पूरी करता है। और जगदम्बा ने क्या दिया? ज्ञान की मनोकामना पूरी तो नहीं की, जो ज्ञान मिला, ज्ञान का कलश धारण किया। भगवान ने आकर के जो कन्याओं माताओं को ज्ञान का कलश धारण कराया, वो धारण तो किया लेफ्ट हैंड में, लेकिन वो बांट नहीं सकी। और लक्ष्मी ने क्या किया? जो भी ज्ञान कलश धारण किया उसको बांटा, देवताओं में भी बांटा। तो बांटने के कारण वो नारी से क्या बन गई? लक्ष्मी बन गई। वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी, और वो लक्ष्य को प्राप्त कर गई। इसलिए दिखाया है कि हमने किसी अवमानना कर दी। जो विश्व का शिक्षक है, विश्व का गुरु है, सारी दुनिया का सदगति दाता है, उस सदगति दाता कि हमने अवहेलना कर दी, इसलिए वो रूप दिखाया है महादारी। और सिख होता है, सिख कभी सुना? पंजाब में सिख होते हैं ना, तो सिख का मतलब क्या हुआ? सीखने वाले। और एक होता है सिख, बाबा कहते बड़े सिख से मिलते हैं, बड़े प्यार से मिलते हैं,
बच्चा बचपन में मेले मलाखड़े में बिछड़ गया हो, खो गया हो, और बहुत वर्षों के बाद वो बाप से मिले, बाप को पहचाने, बच्चा बाप को पहचाने, बाप बच्चे को पहचाने, तो दोनों आपस में बड़े सिक सिक से मिलते हैं। तो नाम रख दिया सिक्कम। क्या है? कहाँ के नजदीक है? नेपाल के नजदीक है। जो नई दुनिया की पालना करने वाला है, जो ग्रुप है, जो नेपाल, जो तो स्कूल नेपाल है, लेकिन वास्तव में सच्चा नेपाल है जो नई दुनिया का पालना करने वाला ग्रुप। एडवांस पार्टी में अव्वल नंबर ग्रुप जो नई दुनिया की पालना करने वाला है वो है नेपाल। उसकी बहुत नजदीक है। सोमनाथ मंदिर तो सोम नहीं बनाया होगा, सोम माने चंद्रमा, सोम माने क्या, सोम माने चंद्रमा, और नाथ माने स्वामी। चंद्रमा का स्वामी कौन? चंद्रमा किससे प्रकाश लेता है? सूर्य से प्रकाश लेता है, तो सूर्य हो गया सोमनाथ, सोम का स्वामी, और सोम हो गया ब्रह्मा बाबा। तो माउंट आबू में आने के बाद ब्रह्मा बाबा ने एक ही सेंटर ऐसा बनाया था माउंट आबू की धन संपत्ति से, बाकी जितने भी सेंटर खुले हैं उन सबके निमित्त जो है वो दूसरे दूसरे मनुष्य बने, धन संपत्ति लगा करके सेंटर खोलने वाले। और गुजरात का पहला जो सेंटर है पालड़ी सेवा केंद्र, अभी तो नहीं है, बदल दिया, क्योंकि भक्ति मार्ग में असली सोमनाथ मंदिर तो गिरा दिया गया, फिर बाद में दूसरा बनाया अभी 200 साल पहले। ऐसे ही शूटिंग पीरियड में भी जो असली सोमनाथ मंदिर था, जो बाबा ने धन संपत्ति लगा के तैयार किया था, माउंट आबू की धन संपत्ति लगाई थी, वो सोमनाथ मंदिर शूटिंग पीरियड में असली फाउंडेशन है, जहाँ से मुरली ने बोला सोमनाथ है, सोमनाथ मंदिर है, तो जरूर सोमनाथ सोमनाथ नहीं भी होंगे। सोमनाथ मंदिर में कौन होंगे? मंदिर माने घर, तो कौन होंगे मंदिर में? सोमनाथ के साथ सोमनाथ नहीं भी होगी। सोमनाथ हुआ ज्ञान सूर्य, और सोमनाथ नहीं हुई ज्ञान सूर्य है, उसकी संगिनी कौन हुई? सोमनाथ। ये कहे भारत माता, भगवान सूर्य आता है तो पहले पहले किसका कल्याण करता है? भारत का कल्याण करता है या सारी पृथ्वी का कल्याण करता है? भारत का कल्याण करता है, क्योंकि भारत माता है वही सूर्य अंश है जहाँ से सूर्यवंश की शुरुआत होती है, और वंश के धर्मखंड दूसरे दूसरे हैं, इस्लाम खंड अरब देश है, क्रिश्चियन खंड यूरोपीय देश है, बौद्धिक खंड चीन जापान है। ऐसे ही सूर्यवंशियों और चंद्रवंशियों का खंड कौन सा है? भारत खंड। भारत खंड में भगवान आता है, इसलिए वो भारत माता कही जाती है। अगस्त वाणी में बोला है, पहली वाणी में, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। क्या अभी का नारा नहीं है, अंत का नारा है, माने अंत में वो शिव शक्तियां निकलेंगी जो भारत माता के रूप में पूजी जाती है। भारत माता को शिव शक्ति कहा जाता है, वर्ल्ड मदर को शिव शक्ति बाद में कहेंगे। वर्ल्ड मदर माना हिंदू मुसलमान सिख ईसाई
जितने भी धर्म वाले हैं सब धर्म वालों की मदद, जगत माता जो भी दूसरे धर्म वाले हैं उन धर्मों का भी पोषण करने वाली। लेकिन विष्णु देवता को विधर्मियों का पोषण करते हुए नहीं दिखाया जाता। विष्णु ऐसा देवता है जो दूसरे धर्म वालों को, आसुरी धर्म वालों को, असुरों को कभी वरदान नहीं देता, उनकी पालना नहीं करता। क्या जब कहते हैं विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत बांटा कलश में से, तो किसको पहले बांटा? देवताओं को पहले बांटा। तो ये पार्थिवी क्यों की है? देवताओं को पार्थिवी कर दी, पक्षपात कर दिया, असुरों को क्यों नहीं बांटा? क्योंकि वो भगवान के पहलौटी के बच्चे नहीं बनते, वो पक्की पक्की आत्मा नहीं बनते 84 जन्म लेने वाले, देवान रह जाता है। भगवान आकर के जो पढ़ाई पढ़ाते हैं रूहानियत की, कि तुम रूह हो, तुम ज्योतिबिंदु आत्मा हो, जो बिंदी आत्मा तुम्हारी प्रकृति में बिंदी के रूप में दिखाई जाती है, टीका लगाते हैं ना, तो टीका किसकी यादगार? आत्मिक स्थिति में टिकने की यादगार। उस आत्मिक स्थिति में तो टिके नहीं, देहवान में रह गए। तो जो अपने को देह समझते रहते हैं अंत तक, वो असुर कहे जाते हैं। दे अभिमानी सांडे, दैहिक कर्मेंद्रियों के आधार पर सुख भोगने वाले, वो आत्मिक सुख जो गोप गोपियों का गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, वो अतीन्द्रिय सुख उन्होंने प्राप्त नहीं किया। माने भगवान की पढ़ाई हुई पढ़ाई को उन्होंने महत्व नहीं दिया, इसलिए विष्णु उनको तरजीह नहीं देता। ये दो देवियां हैं, एक शाकंभरी देवी और एक मांसाहारी देवी। मांसाहारी का मतलब मांसाहारी का मतलब देहभान में आ गए, पार्वती का महीना बताया अभी, महीना से पार्वती का जन्म हुआ महिला का पाठ किसने बताया तो महिला को जन्म दिया। जैसे बाप होता है ना कोई, तो बच्चों को काम बांटता है, तुम ये काम करो, ये काम करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो भगवान ने जो असली काम दिए वो काम उसने नहीं माना, मैं ना करूँगी। फिर कहा अच्छा तुम कोई काम नहीं करोगे तो क्या कर रहे हैं? तो उनको काम दिया कि जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनको तुम खूब फटकाओ, खूब तंग करो, वो काम स्वीकार कर लिया। तो फटकाती भगवान जो पढ़ाई पढ़ाता है, जो पढ़ाई पढ़ाना चाहता है वो पढ़ाई नहीं पढ़ी, अपनी अपने दिमाग में जो अच्छी बात लगी वो स्वीकार कर ली। तो इसलिए नाम क्या पड़ गया? मैं ना करूंगी। कबीर का जन्म माँ बाप से नहीं हुआ है, टीचर के ऊपर कमल के फूल के ऊपर हुआ है। कबीर कबीर का, और उसने कबीर कबीर का जन्म, सदगुरु सदगुरु बोलते है कबल से, और कबीर तो कमल के फूल के ऊपर हुआ है। उसका माँ बाप नहीं आया, एक मुस्लिम दंपति ने लेके आया है। तो कबीर कौन थे? कुछ लोग गुरु नानक को सदगुरु मानते हैं, और कबीर पंथी कबीर को सदगुरु मानते हैं। लेकिन दोनों ही पंथ जो हुए हैं वो कौन से युग में हुए हैं? गिनती कला के युग के धर्म।
उनसे पहले भी, उनसे पहले भी वो धर्म की पढ़ाई हुई बातें चली आई हैं, ऐसे कि नहीं नहीं चली आई है। तो जो बातें उससे पहले भी श्रेष्ठ बातें चली आई है, इससे साबित होता है सदगुरु कोई और था, न कबीर था सदगुरु और न गुरु नानक सदगुरु थे। सृष्टि का आदि जहाँ से हुआ वहाँ से सदगति शुरू होती है। तो जितने भी मनुष्य गुरु हुए हैं वो सब अपने को भगवान के रूप में साबित करते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान के रूप में होते नहीं। एक भगवान ही है जो दुनिया में कीचड़ में रह करके कमल फूल समान जीवन बिताता है और कमल फूल से उसका जन्म कहा जा सकता है। इसलिए शंकर को कमल के फूल के ऊपर बैठा हुआ भी दिखाते हैं। और काशी नगरी जाओ का मतलब यह है, काश्य माना तेज, तेज है याद का, याद का तेज कहाँ होगा? हाँ संगम तो समय का नाम है, स्थान चाहिए। कोई ऐसा स्थान है जो शंकर को भक्ति मार्ग में बहुत प्रसिद्ध है? काशी नगरी बहुत प्रसिद्ध है, वो तो स्कूल काशी जड़ गंगा नदी के किनारे दिखाई गई, लेकिन असली काशी जो है वो है जहाँ सूर्यवंशी आत्माएं इकट्ठी होकर के याद का तेज पीती है। उसको काश्यप ऋषि भी कहा गया। क्या पीते थे? याद का तेज पीते थे। ऐसे ही नाम दिया है काशी, जहाँ याद का पुण्य इकट्ठा हो जाए, ऐसी आत्मा इकट्ठी होकर के बाप को याद करे जिनकी याद का तेज बहुत काम करता है, इसे काशी कहा जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग में हिंदुओं में ये मान्यता है कि काशी में मरेंगे तो सदगति को पा लेंगे, क्योंकि याद के वायुमंडल के बीच में शरीर छोड़ेंगे। मगहर में मरेंगे तो नरक में जावे, ना उस मगहर की बात है ना उस काशी की बात है, तो बेहद की बात है। बेहद की काशी है जो सूर्यवंशी आत्माओं का जखीरा जहाँ इकट्ठा होता है, वो है बेहद की काशी। नई दुनिया तैयार हुई होगी, नई दुनिया का संगठन तैयार हुआ होगा, माला तैयार होगी, माला का संगठन तैयार हुआ होगा, तो माला के संगठन में 12-12 के 9 ग्रुप हैं, 9 धर्मों के चुनी हुई शेष आत्माओं के, तो उनमें कोई ग्रुप तो पहले आगे बढ़ेगा, ये सारी एक साथ माला बन जाएगी। कौन सा ग्रुप आगे बढ़ेगा? सूर्यवंशियों का ग्रुप आगे बढ़ जाता है। वही सूर्यवंशियों का जो जखीरा है, उसका जो सरपरस्त है मुखिया, वो काशी कही जाती है। जैसे दिल्ली का नाम है, दिल्ली के ऊपर सब धर्म वालों ने राज्य किया, कंट्रोल किया, लेकिन काशी के लिए ऐसा नहीं है। काशी विद्वान आचार्यों की नगरी मानी जाती है। है बेहद की बात। ये ज्ञान जल है, गंगा में से जल भरते हैं और शिव के ऊपर जाकर चढ़ाते हैं। जल देने वाला कौन है? ज्ञान जल देने वाला तो बाप है, लेकिन बाप क्या चाहते हैं कि वो ज्ञान जल कन्या माताओं के द्वारा दिया जाए
या पुरुषोत्तम देव कन्या माताओं के द्वारा जो ज्ञान दिया जाएगा उससे कल्याण होगा। लेकिन शिव आते हैं कन्या माता के तन में या पुरुष तन में? पुरुष तन में आते हैं, तो जिस पुरुष तन में आते हैं उसके मुख से जो भी ज्ञान सुनाते हैं, चाहे कृष्ण के द्वारा सुनाए अंतिम जन्म में और चाहे राम की आत्मा के अंतिम चोले के द्वारा सुनाए, उस ज्ञान के सुनाने से कल्याण नहीं होगा। भले सच्ची बात सुनाते हैं, बात बुद्धि में बैठती भी है, लेकिन कल्याण नहीं होने वाला है। क्यों नहीं कल्याण होने वाला? वो कल्याण तब होता है जबकि उस ज्ञान को धारण करने वाली कोई ऐसी शक्तियां निकलती हैं, चाहे वो बेटी के रूप में निकले और चाहे वो पत्नी के रूप में निकले। पत्नी के रूप में पार्वती और बेटी के रूप में गंगा, ये दोनों शक्तियां ऐसी निकलती हैं जो ज्ञान को संसार में बांटने के निमित्त बन जाती है। ऐसी इसलिए होता है कि जहाँ भेड़ बकरियों का देश है, भेड़ बकरियाँ क्या करती हैं? एक बकरी भेड़ जिस रास्ते पर जाएगी सारी भेड़ें उसी रास्ते पर चल पड़ेंगी, दिमाग बिल्कुल यूज नहीं करेंगी, चाहे भेड़ हो चाहे बकरियाँ हो। और ये जो भेड़ बकरियाँ होती हैं वो अजमेर में ज़्यादा पैदा होती हैं। भारत में जो रेगिस्तानी प्रदेश है वो राजस्थान, और राजस्थान में अजमेर, वहाँ भेड़ बकरियों का देश माना जाता है। ये तो हुई जानवर, लेकिन है वास्तव में किसकी बात? ह्यूमन भेड़ बकरियों की। ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे भेड़ बकरियाँ हैं, उन्हें कितना भी ज्ञान सुनाओ वो नहीं सुनने वाली। उनकी जो मुखिया होगी भेड़ बकरी, वो उसी के पीछे पीछे चल पड़ेगी, उसी की बात मानेंगी। बहुत से ऐसे कह देते हैं हमारी बातें सब सच्ची हैं लेकिन हम फॉलो नहीं करेंगे, जब तक कुमारका दादी नहीं मानेंगे हम तुम्हारी बात मानने वाले हैं, उनको सुनाओ जाके तो क्या सब हुआ। तो भेड़ बकरी का देश हुआ या कौन सा देश हुआ? तो माउंट आबू की यादगार है अजमेर, वहाँ सब भेड़ बकरियाँ जाके इकट्ठी हुई पड़ी। ज्ञान की कोई बात उनकी बुद्धि में बैठने वाली नहीं है, इसलिए अजमेर में ब्रह्मा को मानने वाले पूजने वाले वहाँ के रहने वाले लोग ही हैं जो मंदिर में रहते हैं पूजा करते हैं। जैसे कि माउंट आबू में ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ही ब्रह्मा को भगवान के रूप में मानती हैं, दुनिया के और कोई लोग ब्रह्मा को भगवान के रूप में नहीं मानते। भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा को भगवान के रूप में पूजा नहीं की जाती, ब्रह्मा की मूर्तियाँ नहीं बनाई जाती, ब्रह्मा के मंदिर नहीं बनाए जाते, सिर्फ उनके वही पुजारी बैठे हुए हैं वहाँ जो उनको भगवान मानते हैं। ऋषि कहते हैं पवित्र को, ऋषि माना पवित्र और ईश माना स्वामी। क्या जो भी पवित्र रहते हैं उनका जो कंट्रोलर है वो है ऋषिकेश। ऋषिकेश में भी नीचे स्टेज दिखाई गई, हरिद्वार की नीचे स्टेज दिखाई गई। गंगा कहाँ से आती है? कैसे हरिद्वार से आती है, लेकिन हरिद्वार से पहले आती है कि ऋषिकेश से आती है? पहले कहाँ से आती है? ऋषिकेश से आती है। तो जो ब्राह्मण पवित्र रहते हैं उनकी बुद्धि में पवित्र ज्ञान ठहरता है, उनका मुखिया है ऋषिकेश। हरिद्वार तो बाद में है, हरिद्वार माने कृष्ण का द्वार। हरि कहा जाता है कृष्ण को, हर कहा जाता है शंकर को। तो कृष्ण जो है वो हरिद्वार माना गंगा जो है जब मैदान में आती है, मैदान माना फील्ड, कर्म क्षेत्र, युद्ध भूमि,
यूपी को कौन सा खेल दिखाना है, है? धर्म युद्ध का खेल दिखाना है। तो धर्म युद्ध का खेल दिखाने वालों में सबसे आगे आगे कौन सी शक्ति होगी, है? गंगा होगी। इसलिए मुरली में बोला है, अव्यक्तवाणी में बोला है, जब बड़े बड़े सन्यासी निकलेंगे तो तुम बच्चों की जीत हो जाएगी। गंगा के किनारे जाके कौन चौकड़ी मार के बैठते हैं, है? बड़े बड़े सन्यासी। कोई भी गंगा के किनारे पर्व लगता है तो वहां जाके देखो, क्या इलाहाबाद हो या कोई भी क्षेत्र हो तो वहां जाके देखना, वहां पता लगेगा कि किनारे पर, गंगा जी के किनारे पर वो सन्यासी जाके चौकड़ी मार के मेढक की तरह बैठते हैं। वो किनारे पर बैठते हैं, वो पवित्र रहते हैं जीवन में। जीवन में कोई तरीके से पवित्रता को पालन तो करते हैं, लेकिन उनका मुखिया कौन है? गंगा का मुखिया वो सन्यासियों का मुखिया कौन हुआ? गंगा। वो गंगा को पतित पावनी मानते हैं। तो गंगा पतित पावनी है तब जब पतित पावन बाप के संपर्क में, संबंध में आती है। संबंध में नहीं है तो कोई भी नदियां हो वो नाला बन जाती है। उन्होंने फिर वो फिल्म बना दिया, राम तेरी गंगा मैले। बात यहाँ की है दादा, वो भक्ति मार्ग में 14 जनक कहते हैं, 14 जनक, 14 जनक, एक जनक कहीं मिलती हुआ, एक जनक एक मूर्ति हुआ, 14 जनक कहते हैं भक्ति मार्ग में। नवीन शास्त्र में बताया 14 जनक, 14 जनक के आखिर में दो जनक की बात तो बाबा ने बताई, जनक और अनुजनक। माने यज्ञ के आदि में कोई जनक भी था और फिर दूसरा जन्म लेकर के आकर के वो क्या बनता है? अनुजनक। माने बाद में बनने वाला जनक। यज्ञ के आदि में कोई सीता को जन्म लेने देने वाला था और यज्ञ के अंत में जब दोबारा वही आत्मा जन्म लेके आती है तो भी सीता की परवरिश करती है, इसलिए उसका नाम पड़ता है अनुजनक। बाकी 14 ये तो मनुष्यों की बात है, मनुष्यों ने तो शास्त्र लिखे हैं, अगर हम बगर हम कुछ भी लिखा है, बाबा ने जो बात बताई है वो सच्ची और बाकी सब जितना शास्त्र है वो सब भूसा। सच्चाई सच्चाई बाबा ने उठा ली, शास्त्रों का सार जो बाबा आकर के ब्रह्मा के द्वारा सुनाते हैं, और जो बातें नहीं सुनाते हैं शास्त्रों की वो सब क्या हो गया? भूसा। उन बातों के चक्कर में जाएंगे तो बुद्धि फंस जाएगी। और कबीर का और गुरु नानक का, गुरु नानक को भी कहते हैं मूत पलीती कपड़ धोए, उनको भी कहते हैं वो सदगुरु थे। तो सिख लोग गुरु नानक को सदगुरु कह देते हैं, कबीर पंथी कबीर को सदगुरु कहते हैं, और मुरली बाबा कहते हैं ये सब गुरु जितने भी मनुष्य गुरु हुए ये सब खुद भी दुर्गति में जाते हैं, दुनिया भी और ज्यादा दुर्गति में चली जाती है, कोई सदगति नहीं करते। अगर सदगुरुओं की सदगुरु बन के बैठने वालों की सदगति हो तो उसके बाद दुनिया की सदगति होनी चाहिए या दुर्गति होनी चाहिए? दुनिया की सदगति होनी चाहिए। ये झूठ है, मनुष्य कभी सदगुरु हो नहीं सकता। कबीर जो है वो कबीर ने बोला है क्या कि ऐसा जीवन जीना चाहिए, वो तो भगवान ने भी बोला, लेकिन जी करके ऐसा जन्म किसी ने दिखाया नहीं। और क्राइस्ट का जन्म ऐसा तो गुरु लोग हैं, कुछ भी अपने गुरु की महिमा में कुछ भी लिखेंगे और लोग उनके फॉलोअर्स मानते हैं। क्राइस्ट के लिए क्या बोलते हैं? कन्या से जन्म हुआ। और कन्या से कहीं जन्म होता है क्या? होता है, कन्या से तो जन्म होता है ना।
क्या बोला ना मिल लो भाई नारी नहीं जम पता नहीं है ऐसे बताया कि पशुपति में हाँ सभी लोग को मतलब जाने देता है लेकिन नारी जो है माताएं को हाँ अंदर में जाकर पूजा करने के लिए मना करता है। अच्छा वो पशुओं का नाथ है ना भाई लोग को जाने के लिए मना नहीं है लेकिन माता कन्या जो है उनके अंदर में जाने के लिए मना है। वहाँ चित्र किसका रखा हुआ है? शिवलिंग का रखा है। और शिवलिंग के पास कौन रखा हुआ है? हैं? बैल नहीं रखा है? तो फिर बैल के पास जाने की क्या जरूरत? कन्याएं माता है तो गऊए हैं, गऊए बैल के बारे में क्यों जाए? मनुष्य गुरुओं की मान्यता है। शिव बाबा कहते हैं शिव की तो खूब पूजा करनी चाहिए, जितना ज्यादा संग का रंग लगे उतना अच्छा, क्योंकि शिव तो कमल फूल समान जीवन बिताने में सर्वोपरि है। शिव की ड्यूटी कहाँ तक शुरू होती है? 2018 कृष्ण के जन्म तक या 2018 कृष्ण के जन्म तक या 2036 कृष्ण जो नारायण बनता है तब तक? शिव किस लिए आता है, लक्ष्य क्या है शिव का? और पावन कब कहा जाए? पावन पावन मनुष्य या पावन सृष्टि कब कही जाए, कहाँ से शुरुआत होगी? पावन मनुष्य कब कहा जाए और पावन सृष्टि कब कही जाए? शुरुआत कहाँ से होगी? अरे कहीं कोई इकाई तो होगी जहाँ से शुरुआत होगी, पावन मनुष्य की, पावन मनुष्य तन की और पावन मनुष्य सृष्टि की, तो शुरुआत कहाँ से होगी? जो नारायण बनेगा नर से नारायण, वो अपने शरीर के पांच तत्वों को भी पावन बनाएगा और बुद्धि को भी पावन बनाएगा। बुद्धि को पावन बनाने के लिए सेवा आकर के ज्ञान सुनाता है। जो ज्ञान है वो उसके ज्ञान से क्या पावन बनता है? मन बुद्धि रूपी आत्मा पावन बनती है। मन बुद्धि रूपी आत्मा जब पावन बन जाती है तो उसमें जो संकल्प की सरणी चलती है वो संकल्पों की सरणी वाइब्रेशन बनाती है। शुद्ध वाइब्रेशन बनने से फिर जन्म होता है राधा कृष्ण जैसे बच्चों का। तो दुनिया भी नई बन गई और मनुष्य भी नया बन गया, नर से नारायण बन गया। और भगवान किस लिए आता है? केवल किस लिए आता है? जिस तन में आता है वो दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा कामी कांटा, उन कामी कांटे को आकर के सबसे बड़े से बड़ा किंग फ्लावर बना देता है। वो नर से नारायण बन गया और जो नर से नारायण बना उसने रचना भी पैदा कर दी। कौन? कृष्ण बच्चा। तो नई दुनिया बन गई ना, पुरानी दुनिया के बीच, नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। तो वर्षा तो दे दिया, फिर शिव का क्या काम? 500 करोड़ को वर्षा देके जाएगा क्या? तो उनकी ड्यूटी कब तक है? वही कृष्ण वही बाप ने बाप समान बना दिया, बाप समान बन गया तो शिव की ड्यूटी समाप्त हो गई। नहीं रहते यहाँ आए सरकार में और अपना पार्ट बजाते हैं तो 6 वर्ष माना 2036 होना चाहिए। ये कहा है इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज होती नहीं है, सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है।
तो शिव बाबा संत 36 में होगा या नहीं होगा? शिव बाबा 36 में होगा या नहीं होगा ये नहीं कहा, सदा कायम शिव ही है। जो निराकारी बाप है वो तो साक्षी हो जाएगा, और रामकृष्ण की आत्माएं तुम बच्चों की सदाकाल की साथी हो जाएंगी। ओखली से बांधती है, पेड़ों से थोड़ी बांधती है, ओखली से बांधती है। ओखली क्या होती है? ओखली में चावल कैसे कूटे जाते हैं? ये आत्मा रूपी चावल हैं, धान कूटे जाते हैं ना, ये धान है, उनमें देह अभिमान का छिलका चढ़ा हुआ है, उन धानों को कूटा जाता है। कैसे कूटा जाता है? ओखली से मूसल। तो मूसल और ओखली ये दोनों हैं, माने स्त्री अंग और पुरुष अंग, ये दोनों जो है उनको ओखली दिखाया गया है। तो जो ओखली है वो मूसल और ओखली, मूसल के साथ बांधा हुआ है, ऐसे नहीं दिखाया। क्या दिखाया? जो पत्थर की ओखली है, माने पत्थर बुद्धि कोई है जिसका पत्थर बुद्धि का काम है, भगवान को नहीं पहचान पाती। जो मुरली में बोला हुआ है कि मेरे साथ रहने वाले भी मेरे को नहीं पहचान पाते, क्या लंबे समय तक मेरे साथ रहे और फिर भी मेरे को पहचान नहीं पाते, उसका नाम रख दिया ओखली। ओखली जो है वो पार्ट बजाती है ऐसा पत्थर बुद्धि का, उससे बांध दिया जीवन को। किसने किसने बांध दिया? यशोदा ने बांध दिया। यश देने वाली का नाम यशोदा, माना अपनी कन्या ऐसी अर्पण कर दी। जो आप कन्या अर्पण की तो उसका नाम ओखली रख दिया ऐसा। वास्तव में पेड़ों की बात नहीं है, आपने उसे पेड़ बना दिया। पेड़ बने दिखाते, इसलिए मैं दिखाया होगा वो ओखली है, पत्थर की ओखली, खड़े होकर के ओखली में चावल पहले कूटे जाती थे।